प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में लोगों को विपक्ष के एक नेता का किस्सा सुनाया। विपक्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन एक वरिष्ठ नेता मुझसे मिले। वह नियमित रूप से राजनीतिक रूप से हमारा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। वह कुछ मुद्दों पर खुश नहीं थे, इसलिए वे मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि देश ने आपको दो बार प्रधानमंत्री बना दिया, अब आगे क्या करना है। उनको लगता था कि दो बार प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है कि मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको किया है। प्रधानमंत्री ने यह किस्सा सुनाते समय किसी नेता के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका ये बयान बीते महीने NCP प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात के बाद आया है। शिवसेना नेता संजय राउत और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के परिवार के सदस्यों पर ED की कार्रवाई के बाद पवार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस बैठक में पवार ने इन मुद्दों को उठाया था। गुजरात के भरूच में गुरुवार को उत्कर्ष समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों व योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना है। मोदी ने यह भी कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 वर्ष से हमारी सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है। 100% कवरेज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में जब केंद्र में NDA सरकार बनी और मैंने कुर्सी संभाली, तब देश की आधी आबादी के पास शौचालय, बिजली और बैंक खाते नहीं थे। बड़ी आबादी को टीके उपलब्ध नहीं थे। बीते 8 वर्षों में सरकार ने कई योजनाओं में 100% कवरेज का लक्ष्य हॉस्पिटल। मोदी ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में लागू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सरकार ने इन योजनाओं को विस्तार दिया है। अब करीब 50 करोड़ जनता 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ले रही है। करोड़ों लोगों को जीवन बीमा मिला और बुजुर्गों को पेंशन मिली। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।